वीवो ने प्लान किया था कि IPL के साथ में हमेशा की तरह वीवो वी सीरीज में V19 डिवाइस को लॉन्च करने का, लेकिन ड्यू टू वायरस एक्टिविटी ऑफिशियल लॉन्च डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अब ये डिवाइस बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वीवो V19 लास्ट मंथ इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है, जो कि वीवो V17 का एक रीब्रांडेड वर्जन था। बट इंडिया में जैसे कि ये डिवाइस कुछ डिफरेंट स्पेक्स के साथ आने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ आपको वीवो V19 के साथ में देखने को मिलने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज इस वीडियो में Vivo V19 को लेकर बात करेंगे, क्या कुछ आपको ये डिवाइस ऑफर करने वाला है, साथ में ये डिवाइस किस प्राइस पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हे गाइस, मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना। गाइस, Vivo V19 Vivo की तरफ से पहला ऐसा डिवाइस है जहां आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये डिवाइस लास्ट मंथ इंडिया में लॉन्च होना था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। अब Vivo ने डिसाइड किया है इस स्मार्टफोन को ग्लोबल लॉन्च करने का। इस डिवाइस के ऑफिशियल रिटेल बॉक्स के साथ साथ 100% स्पेक्स कन्फर्म हो चुके हैं। ये डिवाइस 6.4 इंचेस के फुल HD+ डिस्प्ले के साथ आएगा। ये डिस्प्ले एक सुपर एमोलेड पैनल होगा, जो कि डुअल पंच होल कैमरा के साथ आएगा। तो डिस्प्ले काफी जबरदस्त है और ऊपर से यहाँ आपको डुअल पंच होल देखने को मिलता है। अब आपको ये पता ही होगा कि Vivo V सीरीज के जो स्मार्टफोन होते हैं वो खासकर कैमरा सेंट्रिक डिवाइस होते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे कैमरा फीचर्स देखने को मिलेंगे। Vivo V19 रेक्टेंगल कैमरा मॉड्यूल के साथ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में आएगा, जहां पर प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर भी दिया जा रहा है। तो कैमरा स्पेक्स काफी अच्छे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो कि कैमरा लवर्स को काफी पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट कैमरा में आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा मिलेगा, जहां पर प्राइमरी सेंसर 32 मेगापिक्सल का होगा, और इस बार आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी फ्रंट कैमरा में मिलने वाला है। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है इस बार इस डिवाइस के साथ में। अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, तो ये डिवाइस पावर करेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 के ऑक्टाकोर चिपसेट के ऊपर, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। बट मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि Vivo को यहाँ पर एटलीस्ट स्नैपड्रैगन का 730G देना चाहिए था, क्योंकि Vivo 712 ऑलरेडी पहले अपने काफी डिवाइसेस के अंदर यूज कर चुका है। बट ओवरऑल डिवाइस के स्पेक्स को देखते हुए परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस डिवाइस की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए आपको यहाँ पर लिक्विड कूलिंग जैसा फीचर्स भी देखने को मिलने वाला है। अब लिक्विड कूलिंग स्नैपड्रैगन 712 के लिए थोड़ा समझना मुश्किल है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस इस फीचर की वजह से इंक्रीज होगी, ये श्योर है। अब बात करते हैं डिवाइस की बैटरी को लेकर, तो Vivo V19 पावर करेगा 4500 mAh की बैटरी, जहां पर 33 वॉट फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज वेरिएंट को लेकर, तो ये डिवाइस सिंगल 8GB रैम वेरिएंट में 128GB और 256GB के स्टोरेज के ऊपर आएगा। ये जो रैम होगी LPDDR4X रैम होने वाली है, और साथ में जो स्टोरेज होगा वो UFS 2.1 का देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिलने वाला है, जो कि Vivo के फन टच OS के साथ में आएगा। अब फीचर्स तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बात आती है प्राइसिंग को लेकर, तो ये डिवाइस बेसिकली ऑफलाइन मार्केट का एक डिवाइस होगा, तो जो प्राइसिंग होगी वो डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी, और एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 25,000 से 30,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें, तो अगर आप एक हैवी यूजर है, काफी ज्यादा गेमिंग करते हैं, तो फिर मैं आपको ये डिवाइस रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अगर आपको सिर्फ कैमरा डिस्प्ले और ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप Vivo ब्रांड में ही डिवाइस लेना चाहते हैं, तो फिर आप इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं। बाकी इस प्राइस सेगमेंट में आपको और भी काफी अदर ब्रांड मिल जाते हैं, जहां पर आपको फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर इस डिवाइस की जो प्राइस है वो 20,000 से 25,000 के बीच में रहती है, तो नो डाउट ये डिवाइस आप बाय कर सकते हैं। बाकी आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताना कि आपके अकॉर्डिंग क्या प्राइस होनी चाहिए Vivo V19 की। ये डिवाइस लॉकडाउन के बाद शायद इसी मंथ लास्ट वीक तक ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में Vivo V19 को लेकर। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी घर पर रहें, स्वस्थ रहें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।